मेरे पास ऐसा ही लॉकेट है। या मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा जन्म आबाद हो गया। मुझे लगा था कि खजाने के दीदार किए बिना ही मैं इस दुनिया से रुखसत ले लूंगा। या मेरे खुदा, या मेरे खुदा। या मेरे मौला, आज से मेरे गुलामी के दिन खत्म। जिस चाबी को हम तलाश रहे थे वो आज हमें मिल गई। बोलो सुल्तान, कनिष्क साम्राज्य का खजाना बहुत जल्दी हमारा होगा। जिस चाबी को हम खोज रहे थे वो एक हिंदुस्तानी के पास थी। सुभान अल्लाह, शाबाश बेटा शाबाश। पैसा, सोना चांदी, जमीन, आसमान, शान शौकत, जो भी उस हिंदुस्तानी को चाहिए दे दो उसे। अगर उस खजाने को जल्द मैंने अपनी निगाहों से नहीं देखा तो इंतजार में कहीं अल्लाह को प्यारा ना हो जाओ। हिंदुस्तानी। सुल्तान ने फरमाया तुम जो चाहे मांग लो, तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी। तुम ही चाबी हमें सौंप दो और जो चाहे ले लो। ये चाबी सेल में नहीं लगी जो मैं तुम्हें दे दूं। और हाँ, ये मेरे दादाजी की अमानत है, मैं नहीं दे सकता। तुम सब देखना चाहो तो दिखा सकता हूँ। अगर तू शराफत से नहीं देगा तो मैं निकालना जानता हूँ। मौत का खौफ है तो चुपचाप चाबी दे दे, जितना पैसा चाहिए मिलेगा, लेके वापस चला जा। जो मेरा नहीं वो मैं लेता नहीं, और जो मेरा है मैं वो छोड़ता नहीं। खुदा हाफिज। पकड़ो उस काफिर को। कम ऑन, जल्दी 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 गाड़ी स्टार्ट कर।
भगा भगा जल्दी भगा। हिंदुस्तानी, तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। तेरे क्या हुआ, वो तुम्हें धमकी क्यों दे रहा है? मुझे क्या पता, देखने में वो कितना खतरनाक है। तुमने ही उसकी बीवी को छेड़ा होगा। वो बिना वजह तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है। कहाँ है वो चाबी? वो किस चाबी की बात कर रहा है? वो इस लॉकेट को चाबी कह रहा है। मैंने कहा ये मेरे दादाजी का लॉकेट है, मानने को तैयार नहीं। वो भाग गया कमजोर। हमारी किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथ से निकल गई। तुम्हारी ये जरूरत, मिलिट्री बुलाओ, पुलिस अलर्ट करो, अपने आदमी भेजो। मुझे किसी भी हाल में वो चाबी मिलनी चाहिए। वो कमीना बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसे पकड़ो। तुम्हें लाकर मुसीबत मोल ले ली। क्या सुना था तुमने? अब क्या बताऊँ, मैंने सुना वो तुम सुनती ना तो बेहोश हो जाती। मुझे तो ये टेररिस्ट लगता है। अब हम क्या करें? तुम तो समझदार लगती हो, इसकी बातों पर तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। कयामत जी को तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। कैसी सच्चाई? तुमने हिंगलाज देवी मंदिर में जो कहा, मैंने कान में मशीन से सुना। क्या सुना? वो राउंड राउंड डायमंड्स। तो वो मेरे हैं? झूठ कह रहे हो। सच कह रहा हूँ, वरना मुझे शौक नहीं है यहाँ पेशावर में खमखा मरने आऊँ मैं। झूठ बोलने में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैंने कानों से देखा और आंखों से सुना है। ये हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता। सुनो, इस गाड़ी को साइड में लो। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हुई। सबसे बड़ी मुसीबत तो ही है। सलाम वालेकुम। पासपोर्ट लेकर आ। पासपोर्ट दो दो। पासपोर्ट दो। पासपोर्ट दो। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने की क्या वजह? मंदिर दर्शन करने के लिए। कौन सा मंदिर? हिंगलाज देवी। यहाँ कोई दर्शन के लिए आता है? चलो अंदर, चलो चलो, चल तू भी चल। आंखें किसको दिखाता बे? चल आगे चल, हाथ अपने सर के पीछे रखो, चलो जल्दी करो। वो मिल गए जनाब। अगर वो लॉकेट सुल्तान को नहीं मिला तो तू तो गया, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाथ सर के पीछे रखो, रखो। कमांडर गनी कॉलिंग, सुल्तान सुल्तान, कमांडर गनी कॉलिंग, ओवर। बोलिए कमांडर गनी, ओवर। जनाब, आपको जिस हिंदुस्तानी की तलाश है वो हमारे कब्जे में है। उसके साथ उसका एक साथी और एक मोहतरमा भी है। गाड़ी में बैठो। ये तो कंफर्म टेररिस्ट है, पुलिस वालों को भी मार दिया, हमें भी मारेगा। पता नहीं आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देगी। रुक जाओ। मंदिर में भगवान मिले, बाहर मिले शैतान। ये बताओ तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन है? पहले ये पता करना है कि उनका लॉकेट से क्या कनेक्शन है। तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करोगे? मेरी माँ, तुम मुझ पर शक करना बंद करोगी? 2 दिन में मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम्हें इंडिया सुरक्षित पहुँचाने का जिम्मा मेरा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। तुम पाकिस्तान क्यों आए थे, सच बताओ ना प्लीज। मेरे दादाजी यहाँ हीरे के व्यापारी थे। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले वो पेशावर में थे। दादाजी की फेरी टेल की वजह से तुमने हमारी जान खतरे में डाल दी। पता नहीं मैं कहां फंस गया हूं। गाड़ी रोको। क्यों? अरे क्या क्यों, जल्दी गाड़ी रोको वरना यहीं हो जाएगी। गलत टाइम पर लगती है इसे। अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। बहन, अब आगे का सफर तुम्हें मुबारक हो। जान बची ना तो फिर मिलेंगे, पर ऐसे पागल का साथ मैं नहीं दे सकता। इस सर फिरे को सुल्तान के आदमी यहाँ नहीं तो वहाँ से ढूंढ निकालेंगे, इसलिए मैं ये सफर छोड़ रहा हूँ। ये जीप मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा, रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ के रख लो। ए, रुको। नहीं रुको, तहारा रुको, रुक जाओ। तुमने मुझे सुरक्षित बॉर्डर पार करवाने का अग्रीमेंट किया है, अगर मुझे बीच में छोड़ा तो मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। यहाँ दफन होने से अच्छा है मैं बुड्ढे होने तक केस लड़ूं। मैं तुम्हें पेशावर के इंडियन एम्बेसी में सही सलामत छोड़ दूंगा, वो तुम्हें सुरक्षित इंडिया वापस भेज देंगे। ए, मैंने चुप बैठ। मैं क्या उन जैसा आतंकवादी हूँ जो तुझे मुझसे डर लग रहा है? हमारे रहने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ, फिर तू चाहे तो यहाँ से दफा हो सकता है। माना कि तुम आतंकवादी नहीं हो, वो लोग तो आतंकवादी है। मुझे अपना एजेंट बनाकर अमरीका भेज दिया तो
लगता है मेरे घर वालों को इंश्योरेंस के पैसे जल्दी मिलने वाले हैं। नीम की चार गोली दी फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। कैसी चार गोली? नहीं कुछ नहीं, पेट में गुड़गुड़ है, जुलाब की चार गोली ली है। ओह ये बात है। अरे ये क्या किया? बैठ 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 जा बैठ जा, बेहोश हो गया। अरे ऐसे क्यों मारा तुमने? और क्या करूं, पाकिस्तान में आकर यहाँ के लोगों से पंगा ले रहा है। ये देखो ये लॉकेट या चाबी जो भी है हम उन शोधकर्ताओं को दे देंगे, तुम इंडिया चली जाना और मैं ड्यूटी से फ्री हो जाऊंगा। चलो। और इसका क्या? इसका टेंशन तुम मत लो, खुदा देख लेगा या होश आते खुद का रास्ता ढूंढ लेगा। वो मार डालेंगे इसे, मैं इसे इसके माँ बाप के पास पहुँचा दूंगी। मुझे लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, इसके माँ बाप को कहना इसे अच्छे हकीम के पास दिखाए। ये शोर कैसा? अरे डरो मत, ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं बुशकाशी। इस खेल का कोई नियम कोई कानून नहीं है। जो भी घुड़सवार मरी हुई बकरी को रिंग में डालेगा, बकरी उसकी। रुको रुको रुको, वहाँ देखो कयामत जी। मैं यहाँ हूँ। आप मटक मटक कर क्यों चल रहे हैं? लगता है घोड़े पे बैठकर पाइल्स हो गया है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मंजिल तक पहुँच ही गए। रुको रुको, लो यहाँ वहाँ घूरना शुरू कर दिया। बताइए क्या है? पुराना डायमंड मार्केट है समझे, तुम्हारे दादाजी की जानकारी यहीं से मिलेगी। जाओ किसी से पूछ लो, कल सुबह पूछताछ कर लूंगा। आज रात आराम कहाँ करना है वो बोल। सुनो ए, अगर किसी होटल में गए ना वहाँ से सीधे कब्रिस्तान पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई महफूज जगह नहीं है क्या? क्या रे, क्या मैं पेशे से चोर हूँ जो हर मोहल्ले की जानकारी रखूँ? बात करता है